वेलकम शाहिना किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शाही मटन कबाब रोटी बनाने जा रही हूँ। ये लखनऊी स्टाइल का मैं बनाऊंगी। ये मुस्लिम लोगों का बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, सभी के खाने का भी पसंदीदा है कबाब, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये मेरा 750 ग्राम कबाब काट करके हमने रात में पपीता मिला करके इसको रख दिए थे। रात में रख देने से ठीक होता है। ये तेल गरम हो गया है। ये हम 200 ग्राम प्याज है, इसको पीसेंगे तल करके। और उसके साथ खाने के लिए ये चटनी है। अब इसमें अभी जब तक ये बिरयानी हो रही है, जब तक अब मैं इसमें और चीजें मसाला सब मिला देते हैं। ये पोस्तादाना है, यहाँ गरम मसाला है, बाकी मसाला गरम मसाला दे रहे हैं इसलिए और मसाला सब नहीं दिए हैं। ये लहसुन दिए हैं, लहसुन मैं अदरक नहीं खाती हूँ, आप अदरक खाती हैं तो अदरक दे दीजिएगा, उससे ठीक होता है अदरक दे देने से। इसमें थोड़ा सा और नमक देंगे क्योंकि नमक पहले दिए हुए हैं, नमक आप अपने हिसाब से दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें चीनी भी पड़ता है, एक चम्मच हमने चीनी दिया, कबाब में ज़रूरी है चीनी। बिल्कुल आसान वे में बताएंगे, तरीका बिल्कुल ही आसान होगा। ये है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये सारे मसाला को इसमें डाल देंगे। कबाब में से थोड़ा सा तीखा खाना चाहिए, कबाब तीखा ही अच्छा लगता है, तीखा लगेगा। अब ये प्याज को तल करके प्याज के साथ पोस्तादाना पीसेंगे। थोड़ा सा ही दाना हमने बादाम भी ले लिया, 10 दाना हमने काजू भी ले लिया, इसको डाल दे रहे हैं तलने के लिए। ये तो शाही है तो शाही में तो हर चीज पड़ जाता है। और ये गरम मसाला इसमें दे करके इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा नारियल का भी पाउडर दे करके पीसेंगे। यह है 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया। कबाब ऐसे बहुत तरीके का हमने बनाया है, ये लखनऊी स्टाइल का ये कबाब बना रहे हैं, मशहूर स्टाइल कबाब है रोटी कबाब। बहुत आसान तरीके से सीख वाला लच्छे वाला नहीं बनाया है। अब इसको पूरे मसाले को मिला करके छोड़ देंगे जब तक अभी प्याज भी लाल हो जाता है। थोड़ा सा इसमें वही तला हुआ तेल दे देंगे जो बचेगा तेल। तेल अभी हमने नहीं दिया है, रोगन है, रोगन वाला गोश्त है, देख ही रहिए बहुत चर्बी है। बहुत अच्छे से इसको हम बनाएंगे, देखेंगे बहुत आराम से बनेगा। रात भर मिला देने से पपीता में 8-10 घंटा मिल जाता है, पपीता तो अच्छा होता है सही से। अब ये इसको मैं जैसा और लाल करेंगे, नहीं तो उजला उजला कबाब होगा, कलर देना पड़ेगा। कलर मैं नहीं दे रही हूँ, चिकन नहीं है, चिकन रहता तो कलर दे देते, चिकन नहीं है इसलिए कलर नहीं दे रहे हैं। पोस्ता दाना देंगे तो पूरा छिटा जाएगा, इसलिए अभी पोस्ता दाना देकर नहीं तलेंगे, सब प्याज में दे करके साथ पीस देंगे। पोस्ता दाना नारियल वगैरह सब कुछ देकर के पीस देंगे। ये शाही मटन बोटी कबाब है। और यहाँ ये हम चटनी के लिए मसाला रखे हैं, इसके अंदर अभी जीरा जब डालेंगे तो जीरा वगैरह दे करके पीसेंगे। लहसुन है, हरी मिर्च और ये प्याज, ये सॉरी प्याज नहीं, हरी धनिया पत्ती, ऐसा और लाल करेंगे। लाल लाल कबाब थोड़ा सा जलाना नहीं है, ना ही इसको व्हाइट भी नहीं रखना है। इसमें जितना तेल हमने दिया है, तेल इसमें हमने 100 ग्राम दिया है। आप चाहे तो कड़वा तेल भी दे सकती हैं, मक्खन भी देंगे, ऊपर से घी लगा देंगे, बेचारा पड़ता घी का वो लगा देंगे, इसलिए हमने घी अभी नहीं दिया। आधे लाल नहीं किए हैं, हल्का सा गुलाबी कलर पे इसको उतारे हैं, क्योंकि मैं तो बोल ही रही हूँ काला हो जाता है कबाब, अच्छा नहीं लगता है देखने में, और उतना ही रंग का ठीक रहता है। नहीं देखिए उतना तेल बचा है, वो तेल में कबाब में डाल देंगे, गोश्त में जो अभी लगाए डालेंगे। अब इसको मैं डाल करके
जार में पीसने जा रहे हैं। अब इसमें पुस्ता दाना दे देंगे, नारियल देंगे। शाही है तो शाही की तरह बननी चाहिए कबाब, लच्छेदार कबाब हमने नहीं बनाया है और ना ही अभी हमने कोयले वाला भी कबाब अभी हमने नहीं बनाया है। इंशाल्लाह सब चीज धीरे धीरे करते जाएंगे। ये एक चम्मच हमने नारियल लिया, नारियल का बुरादा, और ये 50 ग्राम हमने पोस्ता बना लिया। थोड़ा सा पानी देंगे, ये हमने पानी दिया, पानी देकर उसको पीस के लाया। ये हमने पीस के लाया, असल तो मेन मसाला इसका यही शाही कबाब का, इसी में से जो बचता है तो हम लोग थोड़ा सा आटा को मिला करके इसका कचौड़ी वगैरह बना देते हैं। इंशाल्लाह अगर बचेगा तो बना देंगे, कचौड़ी बना देंगे इसमें मसाले निकाल कर। ये जो तेल बचा हुआ है तला हुआ, ये मैंने इसमें दे दिया। थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे, देखिए कितना अच्छा से सूखा मसाला सब हो गया, सूख गया पूरा मसाला। ऐसे ही होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, तब कबाब अच्छा होता है। थोड़ा सा लिपट भी गया सबने। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए एक भी पैसे नहीं लगते हैं लाइक कमेंट शेयर में, मैं बार बार बोलती हूँ, इसमें कुछ भी खर्च नहीं है। आपको कि कुछ परेशानी हो रही है करने में, हर ऐसे तो अपनी अपनी च्वाइस है, अपनी अपनी पसंद है, जिसको इंटरेस्ट होगा वही देखेगा वही करेगा। सभी को इंटरेस्ट नहीं होता खाने से कि वो देखेंगे और करेंगे। देखिए कितने अच्छे से मैं एक एक रेशे में एक एक पीस में मैं मिला रही हूँ, मिला करके उसके बाद से उसको 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद से तवा रखा है, ये तवा कबाब बना रहे हैं, अंगारा कबाब नहीं है, ये तवा कबाब है। आप चाहें तो इसके अंदर अभी इस पॉइंट पर एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और एक अंडा भी दे सकती हैं, जिससे कि इसकी बाइंडिंग फिर से अच्छी होगी। कॉर्नफ्लावर से मसाला सब गिरता है, उससे नहीं गिरता है, ये सब ट्रिक है। और अंडा भी लपटाया रहता है, चूता नहीं है कबाब, ये सब का फायदा है। लेकिन मैंने दे रही हूँ, फिर से कबाब बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। अब मैं इसको क्योंकि बहुत रेसिपी अभी कबाब की मैंने डाला है और इंशाल्लाह आगे भी डालते हैं, इसके 10 मिनट के लिए बाद दिखाते हैं। हो गया मसाला मिला देने से थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि अंदर अंदर तक, ऐसे तो रात में पपीता मिला दिए थे, मसाला भी अंदर घुस जाता है। ये हमने तवा चढ़ा दिया है, आँच बिल्कुल ही स्लो है। नमक को चख लेंगे, नमक मिर्चा वगैरह जितना आप खाती हैं उतना उसी हिसाब से दीजिएगा हर चीज़। ऐसा नहीं कि इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद सब बात सुन रहे हैं। देखिए अब कुछ ना करना है, इसको ऐसे ही बस तो जाना, क्योंकि वो लरी वाला नहीं है कि इसको हमको लरी लगाना है। ये बोटी कबाब है, बोटी की तरह ही लगेगी। देखिए एकदम रात भर पपीता मिलके रहा तो ये बहुत अच्छा से ये गल चुका है, यहाँ से थोड़ी डटरा डटक रहा है। बस इसको आराम से आराम आराम से एकदम से करना है,
कुछ मेहनत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बोलिएगा आप लोग की अनप्री वैसे बोलते हैं, हर काम को बोलते हैं कि मेहनत नहीं है। कबाब तो मेहनत के चाहिए, सबसे आसान कबाब और मुर्गी मसल्लम और पुलाव हमको लगता है। बनस्बत की वो दाल भात चावल बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, रायता बनाओ, तो ये करो तो वो करो, हमको बहुत टेंशन हो जाती है सबसे, इससे नहीं होती है। हमको कबाब बनाने में दिल भी लगता है, कबाब हो या मुर्गी मसल्लम। आराम से हो चुका, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि तवा पर बनाएंगे, इसको ऐसे लंबा लंबा कर देंगे, इस पर ऐसे लगा देंगे, उसके बाद उसको छिपा छिपा देंगे। तवा पर आसान होता है, गैस की भी बर्बादी नहीं हुई, चूल्हा भी गंदा नहीं हुआ। अपना अपना दिमाग लगा लीजिए, जुगाड़ लगा लीजिए, तो अपना काम आपका खुद से आसान होने लगेगा। नहीं कीजिएगा जुगाड़, नहीं लगाइएगा तो हर काम बहुत ही मेहनत और परेशानी वाला सब अब बन जाएगा। इसी तरीके से लगेगा। कहीं पर अगर वो चर्बी वाला जो हिस्सा है ना, उसी में थोड़ा सा नहीं भोकारा, फिर गोश्त वाले हिस्से में चला जा रहा से खूब आराम से, कबाब खूब अच्छा हो चुका। छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं, बच्चे सबका कल से स्कूल हो चुका, सब कल की तैयारी अब स्कूल की हो। ये मसाला बसता है ना, उसी में लोग कचौड़ी का आटा सान करके बना लेते हैं, कचौड़ी तल देते हैं, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। ये दूसरा सिख रखते हैं, इसी तरह से सारे सिख को रखते हैं कि अगर मसाला बचता तो मैं पूरी तल करके इसी मसाले में आटा में मिला करके तल लीजिए तो वो पूरी हो जाती है कचौड़ी, या पूरी बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी, या फिर कबाब भी उसका बना सकती हैं मसाला मिला करके ऐसे सिख में भोंक करके, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही जैसे बनता है ना, बस ऐसा ही बनता है इंशाल्लाह। एक बार आप कोशिश करेंगे, बहुत बार कबाब बनाते हैं, मुझे आदत है बनाने की, मैं बनाती रहती हूँ, दिखाऊँ। अब चटनी पीसते हैं, अभी अब 20 मिनट के बाद 25 मिनट तक लगेगा इसको गलने में। अब मैं चटनी पीस रही हूँ, ये हरे धनिया की बहुत ही लाजवाब चटनी होती है। चटनी तो चटनी है, कबाब तो कबाब है। ये हरी मिर्च और ये लहसुन, इसमें एक चम्मच मिला देंगे। थोड़ा सा पुदीना मिल जाता, अभी तो गर्मी है लेकिन पुदीना तो ख़त्म हो जाता है, बारिश होती है पुदीना ख़त्म हो जाता। अब इसमें मैं एक चम्मच जीरा देंगे, और काला नमक देंगे और सफ़ेद नमक देंगे। ये हमने जीरा दिया, ये काला नमक एक आधी चम्मच, और एक आधी चम्मच सफेद नमक। अब इसको पीस के लाकर दिखा रहे हैं। पानी, थोड़ी सी पानी, एकदम जरा सा, एक चम्मच पानी। दही भी दे दिया, ये दही का पानी भी लगा के पीस दे रहे हैं। दार कितना इजी वे में मैं बनाती हूँ, मैं तो बहुत बार बनाई हूँ तवा कबाब, ये लखनवी स्टाइल तवा कबाब मैं बना रही हूँ। थोड़ा देर के बाद आँच को तेज़ करेंगे, एकदम चूल्हा भी गंदा नहीं हुआ, सब कुछ आराम से मेरा हो गया। थोड़ा सा हल्का सा बाद में तेज़ करेंगे, जरा सा गोश्त गल जाता है तब। चटनी भी पीस लिया, थोड़ा सा अगर आइस भी डाल दीजिएगा ना तो पूरा ग्रीन कलर हो जाता है। उसमें दही दे दिया, आप चाहे तो नींबू भी दे सकती हैं, दही हमने दे दिया। मैं इसी वे में कबाब को बनाया, बहुत अच्छा मेरा गल गया, और ये गल गल के सब निकल गया है गोश्त का भी,
टुकड़ा रात भर गया इसलिए निकल गया। ये शानदार लजीज लखनऊी कबाब तैयार हो गया, जो सभी की पसंदीदा कबाब होता है वो हमने आज फिर से बनाया बिल्कुल दूसरे तरीके से, ये शाही कबाब। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।